आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। इसके लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मूर्त रूप में लाने की कवायद वर्षों से चल रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का ये सपना कब अस्तित्व में आएगा, ये एक प्रश्न बना हुआ है। अगर इसमें गौर करें तो इसका सपना तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन दो दशक बिताने के बाद भी, करोड़ों रुपए की लागत लगने के बाद भी, मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। अब वर्तमान में मेडिकल कॉलेज मेडिकल काउंसिल द्वारा इसका निरीक्षण करना है, पर यहाँ ओपीडी और फैकल्टी अभी भी अधूरी नजर आ रही है, जबकि सूत्रों के आधार पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 52 महत्वपूर्ण चिकित्सक की फैकल्टी के सापेक्ष सिर्फ 35 चिकित्सक अभी तक आए हैं। वहीं निर्माण कार्य अभी भी अधूरे हैं, वहीं ओपीडी बहुत कम है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज एमएमसी की शर्तों पर कैसे खरा उतर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि मेडिकल के प्राचार्य इस पर पूरी ताल ठोक रहे हैं, उनका कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा किया जा रहा है। अभी जो है लगभग तैयारियां चल रही हैं, एनएमसी का कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। अभी कुछ लोगों के जो है ट्रांसफ़र हुए थे हल्द्वानी और देहरादून मेडिकल कॉलेज से, तो हल्द्वानी के तो 11 लोगों के हल्द्वानी से हुए थे, 14 लोगों के देहरादून से हुए थे। तो उसमें हल्द्वानी से जो भी ट्रांसफ़र हुए थे वो सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, देहरादून के कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने अभी करने वाले हैं। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक जू खाना बन गया है। भाजपा सरकार सिर्फ मेडिकल के दावे के नाम पर लोगों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, जबकि मेडिकल कॉलेज पर छलावा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो चिकित्सक वर्तमान में तैनात हैं वो भी एक दो घंटे काम करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे में मेडिकल काउंसिल के मानक कैसे पूरे होंगे। उन्होंने दावा किया है कि 2021 में मेडिकल कॉलेज को चालू करने के भाजपा सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। एमसीआई की टीम आ रही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बार बार निरीक्षण करने के लिए टीमें आ रही हैं। जो फैकल्टी यहाँ होनी चाहिए थी अभी तक फैकल्टी यहाँ नहीं आई। कुछ डॉक्टर्स भेजे हैं जो केवल एक डेढ़ घंटा घूमने के बाद अपने गंतव्य को प्रस्थान कर लेते हैं। सरकार ने केवल एक एजेंडे के तहत, मुझे लगता है क्योंकि ये कांग्रेस के शासनकाल में निर्माण प्रारंभ हुआ था, तो एक एजेंडे के तहत अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ा हल्का सा एक बात कह देते हैं और उसके बाद बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से 2021 के अंत तक किसी भी हाल पे मेडिकल कॉलेज का काम संचालित हो पाना असंभव है, क्योंकि ओपीडी नहीं हो रही है, वर्तमान में जो डॉक्टर हैं वो वापस चले जा रहे हैं, ऐसे में कैसे मेडिकल कॉलेज चल पाएगा। दरअसल अल्मोड़ा के लोग सालों से मेडिकल कॉलेज का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन उनका ये सपना कब पूरा होगा ये तो पता नहीं। लेकिन मेडिकल के प्राचार्य इस पर पूरी ताल ठोक रहे हैं कि सभी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।